कहना चाहती हूँ कि सबके साथ न्याय हो और फेयर सिलेक्शन हो। भाई 10 किले दूंगा, मेरे 10 किले हैं, मेरा बड़ा कब विषय दिखाएगा कि लिया मैंने करना भी क्या है। ये बात भाई ये लाइव वाले जो लाइव में भोग होया हुआ है लाइव और भोगी में कह दे हैं ना अग का बेरा ना पाचा बेरा, पूरे वकील बन के सफाई दे दे हैं। रही बात भाई ये लाइव वाले जो आवे हैं भोग कह ले पहला इस घर का आगे देखो क्या हाल है। आज तो पहले ने सुशील कुमार पकुन महंगी, आज तो पहला योगेश्वर दत्त पकुन महंगी, आज तो पहला बजरंगा उस पकुन महंगी, दिन एक पहलवान बनाने खातर रखी कूणा हाल भाई। दो दिन तो संघर्ष करने लग रहे परमिशन लेने खातर और जान लग रहे ध्यान लग रहे, क्यों ये वो एक किसान गरीब किसान का बच्चा है भाई, इसके पास कोई पावर नहीं है, पॉलिटिक्स की पावर नहीं है, कोई नहीं पावर भाई। वो अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनके पास सारी चीज की पावर थी, उनकी दुआनिए भी थी, उनकी तो बबीता ने दुआ दी थी, मारदौड़ तो कोई सी भाई रिश्तेदारी भी कोई नहीं जो इतनी बड़े लेवल की हो जो दुआ दे, मारदौड़ तो कोई ऐसा आदमी भी नहीं। हम गए, हम ACP साहब से मिले, ACP साहब ने हमारे ही 10 मिनट का टाइम दिया कि 10 मिनट बाद मिलियो आप। अगर हम दोबारा ACP साहब से मिले तो ACP साहब ने लैपटॉप में निकाल रखा कि आप प्रोटेस्ट कर चुके हो, इसका क्या समाधान होगा, ये होगा वो होगा, ये बातें कहकर हमारी जो अपने एप्लीकेशन लिखी थी और रिजेक्ट कर दी, ऐसी की ऐसी उठा के दे दी। आप देख लो ये 2 दिन तक घूमने लग रहे थे, गए हाँ आए हाँ भाई, वह बात थी कि पोलिटिकली कोई हमारे पास पावर नहीं थी भाई, कौन सांसद नहीं था, कोई BJP का आदमी नहीं था, कोई आदमी नहीं था बड़ा लेवल का इस किसान परिवार के पास जो इनकी सिफारिश कर सके, उनके पास इतने बड़े बड़े लेवल के उनके तो पारिवारिक संबंध है भाई, पारिवारिक के आदमी थे और उनके तो इतने आदमी थे, वो बताऊं हमने BJP के आदमी, लेकिन हैं खुद की BJP के आदमी। अगर आप इस चीज़ ने देखो, अगर वो BJP के नहीं है तो परमिशन कुकर मिलगी, और परमिशन मिलगी चलो बैठ के चलो भाई, परमिशन तो सबने मिल जाए, धरना सतल है, हमने तो कौन मिली, दबाव था के था कि नहीं। लेकिन आज वो BJP के अगर खिलाफ हैं तो BJP की नीतियों पर क्यों चलन लग रहे हैं, अगर BJP के खिलाफ तो BJP उनकी क्यों भेजने लग रही, ईशा उन्होंने के दे दिया भाई BJP तो ही, अगर BJP उनकी बार बार अपने भाई बुला के एक बैठ की भेजने लग रही है, इतने बड़का ने कौन दिया उन्हें गणे चिकने, उन पैसा के है कि सरकार उनकी भेजने लग रही है। रही बात भाई ये लाइव वाले जो लाइव में भोग होया हुआ है लाइव और भोगी में कह दे हैं ना अग का बेरा ना पाछा बेरा, पूरे वकील बन के सफाई दे दे हैं। रही बात दूसरी भाई शीशा का, मैं के देखो पहला तो नू देखो, ये बार बार जिगरा चलाने लग रहे भाई, विशाल का भाई ने ये कहा वो कहा, बजरंग ने क्या बोलिया था, इतने सम्मानित गांव जिस गांव ने चार चार हिंद केसरी दिए हैं, जिस गांव विनेश और नकड़ा जगह थी, अगर मास्टर चंदगीराम लेडीज की लड़ाई नहीं लड़ते, लड़कियां ना खिलाते नहीं, तो विनेश और न जगह कड़ा थी भाई, आप बता दो मैंने पत्रकार इतने बैठे, विनेश और खिलाड़ी बन जाती, अगर लड़कियां इस गेम में नहीं होंगी, सालते करने वाला ये गांव है लड़कियां की, हिंद केसरी सबसे पहली लड़की इस गांव की बनी है, उस गांव थी तो उन्होंने पूछा है बोले उन तीनों को बेरा लंगोटी खाई जाकर बहंदी जाकर, उस गांव की तो उन्होंने पूछा लंगोटी खाई जाकर बहंदी, उस तीनों पूछा भाई जिस गांव ने पूरा हरियाणा में पूरे इंडिया में किसी ने दिए हैं चर्चा हिंद केसरी, इस गांव ने दिए हैं। रही बात भाई ये लाई वाले जो आवे हैं भोग हैं, ले पहला इस घर का आगे देखो क्या हाल है। आज तो पहले ने सुशील कुमार पकुन महंगी, आज तो पहले योगेश्वर दत्त पकुन महंगी, आज तो पहला बजरंगा उस पकुन महंगी, आज मारा बड़ा काक है तो मांगा इजे भी कुन मांग दे भाई, देखो ये बेगम की आवे हैं मुंह ना पाड़ा है भोगी में कहते हैं, पहला डाएगा घर आएगा देखो हालात देखो बड़की मेहनत देखो, आज वे तो जान लग रहे हैं क्या था, हम बजरंग दिया था तनमंदन दिया था, मेरी खाप ने भी हमने भी, हमने ओडो जाजे भी दो दो पर समर्थन किया था, हम दुश्मन थोड़े थे, हम तो अक्की बात गले खड़े थे, लेकिन हमने नू बेरा होंगे मारा नू बैंड बनाए गिरा हमारा ही बड़का गले नू धोखा करेंगे, तो हम साथ भी नहीं देंगे। तो भी इसकी बात आई भाई साहब लाइव वीडियो थी, पता कोई साथी उसने कह रहा कि जो इनाम हम रहे थे देखो उसका परिवार का सारा ले लिया उसी इनाम टेक रहे, सुन मेरी बात भाई इनाम टेकनी है बैर के भाई, अरे इतनी थेड़ी मारा परिवार गिर मारा गामा गिर मारे भाई यही मारी खाप की कौन टकरी का भाई नहीं, इसने अगनू कानू रख देंगे सारा भी लावांगे सारा सौदा कराएं, वो काम मारा है तारा काम को नहीं भाई सारे काम करांगे। रही बात दूसरी भाई तुम्हें कुश्ती लड़ाने का, एक भाई कहता बोले मैं कुश्ती लड़ा दूंगा, अगर गेम के बाद कुश्ती लड़ाने का फायदा क्या है बता दो, मैंने ACID के बाद कुश्ती लड़ाने का फायदा क्या है, कुश्ती लड़ाने का आज फायदा है दूध का दूध पानी का पानी हो, आज वो गरीब किसान का बड़का शोषण करने लग रहा भाई, इस गरीब का इतना ही खोट के इसने गरीबी में इतना बड़क आपका खिला दिया मेहनत करा दी, वो घोट से इसका इसकी माँ का इतना घोट से आपका बड़क दूर खड़ा करके अगर खिला के अपना सारा घर का दाव ला के वो बड़क मेहनती बना दिया भाई, जिसकी लाठी होगी उसकी मैं होगी उसे आप बड़क जाएगा, आज बजरंगी ऊपर ताल है तो बजरंगी जाएगा, यूए खोट था इस परिवार का यूए वो हो गया, ये खेल लिए मेहनत कर ली तो मतलब क्या लगा पिछला गेट से एंट्री होगी बजरंग पुनिया होगी भाई हो चुकी है, तो एक कमरे में सेटिंग हुई है तो सबने मेरा आपने बता दो मैंने धरना उठा था उस दिन के बाद कोई बयान आया बजरंग का, आप इतने साथी बैठे हो रहे कोई बजरंग का खिलाफत में बयान आया गया एक साथी ने बता दो, और रही दूसरी बात भाई साक्षी भी उनका साथ थी
साक्षी की लाइव अगर आप फोटो देखियो तो मेरा फोन में पड़ी है, कहो तो आपने दिखा भी दूंगा। उसने कहा था कि किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ट्रायल दे के जाना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी हो तो आपने, मैं सुनाऊं भी वो लाइव, लाइव में उसने यह बात कही थी भाई, किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा है और जावे तो अपना, तो फिर आगे क्या से पता चला है कि दूर, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया आपने दिखाऊंगा भाई। कि हमारी ट्रायल 14 अगस्त के बाद ले ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबके साथ न्याय हो और फेयर सिलेक्शन हो। इसने सीधे सीधे शब्द हम बोल दिया भाई, सबके साथ न्याय हो, फेयर सिलेक्शन हो, कि भाई किसी को सीधा नहीं भेजा जावे ट्रायल देखे। ये भी इन्हें की साथी थी, को बाहर तो कुनियारी यार, साथी तो इन्हें की है, इन्हें गल्ला की थी भाई। यह कहने लग रही एक बात वो होगी भाई, सीधा सीधी नहीं बोल सकती, लेकिन अपने अपने शब्द में निशाना तो सीधा कर दिया। तो हम भी मीडिया वाले भाई हो, सारी बात तो समझो, सारा जो ने समाज भी समझा है। रही बात सारी, समाज ने गुंगरा करने की जरूरत नहीं है भाई, जो भाई है गुंगरा करने का काम करने लग रहे हैं, समाज ने गुंगरा ना करो, समाज बहुत समझदार है। समाज ने पढ़ने का काम ना करो, समाज ने जोड़ने का काम करो। अगर तुम इसे जोड़नी है हो, हमने 4 बार पंचायत करी, पंचायत में क्यों नहीं आए भाई? हम इतने बड़े जोड़नी है ठेकेदार थे, हम नहीं बेरा, सारी दुनिया ने बेरा था, मुद्दा चला था, 4 बार पंचायत हुई, हम बजरंग लेके क्यों नहीं आए? हम बजरंग अगर आ गए, जिद जिद क्यों नहीं आए हमें? और रही बात भाई, एक भाई सवेरे मेरती स्टेशन का है, अगर यूए मुद्दा योगेश्वर दत्त उठा लेता तो बजरंग ने बैठ के कुश्ती नहीं देखनी पड़ती, बजरंग का पीड़ा नहीं होती। अगर यूए मुद्दा आज बजरंग इसे चीज ने कौन रोक सका है भाई? खिलाड़ी रोक सका है? बजरंग के क्या करता, बच्चों का शोषण हो रहा है, आने वाले जूनियर बच्चों का भविष्य खतरा में है। अगर बच्चों का भविष्य खतरा में है तो आज भविष्य गला बैठना था, तीनों कहना था कि भाई छोटे भाई या सरकार करे ना माननी, मेरे गला भी हुई है, तेरे गला नहीं होने दूंगा, पीड़ा मैंने भी देखी है जो तेरे गला हो रही है। आज मैं तेरा बराबर में बैठा हूँ और सरकार नुकंदा ये मेरा छोटा भाई है, इसका इसका जान का हक है और मन भेजा जान लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, इस सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। अगर या चीज आज बजरंग कंधा तो कदे भी किसी बच्चे के साथ भविष्य में यह चीज नहीं होती भाई। जो चीज वो लड़न लग रहा था उसे, जिस रेल के खिलाफ वो लड़न लग रहा, उसे रेल का कनेक्टर बन गया, उसे रेल में चढ़ गया भाई, वो उतनी शर्म नहीं है इस चीज की कि भाई तू के करने लग रहा, किसी गरीब का हक मारने लग रहा है। लेकिन आप एक बात कहूं भाई, चलो आज कोई नहीं देखेगा, लेकिन भगवान देखा है, इनकी पीड़ा देखा है, सारा सौदा देखा है, आड़े करना आड़े धरना, मनस न मनस फेटा, कुआ न कुआ कौन फेटा, हमारी बद्दुआ खा ले नहीं जाओगी भाई साहब। जो व्यक्ति वीडियो डाल का ये कहा नहीं, बाद में वीडियो उनके फाइट करवा दूंगा, नो करवा दूंगा, उन व्यक्तियों के बारे में आपको क्या विचार है भाई? वो व्यक्ति का समाज ने गुंगरा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाज बहुत सेना है, समाज ने कुश्ती करवानी है, फ्लाइट का खर्चा भी हम देंगे, देश विदेश तो बुलाना खर्चा भी हम देंगे, इतने पौधे नहीं है भाई, मुंह पड़ा उतने रुपये देंगे, अगर रुपये पे डेगेगा नहीं जितना कहगा, और मान सम्मान भी करेंगे, सीधा सीधा काम नहीं, पूरी रोगी मारे रोगी 24 गांव है, सारे गांव में सरपंच पगड़ी पहन के सम्मानित करेंगे अगर वो जीत के जावा है, हर चीज तय, चीफ गेस्ट भी बनावांगे, सारा सौदा करांगे, लेकिन आनिए बनो और ये लेनिए बनो, लेनिया भी सम्मानित करांगे भाई। जनता भाई नूंगा नहीं लियाऊंगा मैं, लिया भाई विदेश में बैठे है, कोई बात को नहीं, 10 दिन पड़े ही पे बाहर जान के, 10 दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं तो लेके आ, फ्लाइट का खर्चा भी दे, सारा सौदा है, गाड़ी में बैठा के ले आवा भाई ने काम तई, और लड़ाओ कुश्ती। देखी भी जो वीडियो जारी हुई थी उनमें एक चीज लिखी गई थी, 10 दिन का टाइम है, ये चीज बोली गई थी। लेकिन विशाल का पापा ने जिस दिन हमने डीसी को ज्ञापन सौंपा उस दिन 10 किले का नाम बोलिया था भाई, 10 किले दूंगा, मेरे 10 किले हैं, मेरा बड़ा का भविष्य दिखाएगा किले, हमने करना भी के है भाई, जब बड़के नहीं रहेगा तो भविष्य मेरी बात, इनकी पीड़ा है, अगर बड़के नहीं रहेगा वो बड़के में गलत सोच गया भाई, फिर दे देंगे समाज के ठेकेदार जवाब, दे दे कोई जवाब, को आ जाएगा कुछ मार लेगा इसको बाप ने, कंदोड़ी तन पड़े उसकी। रही बात वो 10 किले देनी कही थी इसके बाप ने, वो भी 3 दिन का टाइम दिया था, पूरी तो खापे हैं भाई, जितनी खापे हैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी तरह जींद में जो हमारी पंचायत हुई थी पहली, जिसमें हमने बजरंग बुलाया था, उसमें 40 खापे थी, 39-40 खापे थी, रजिस्टर है उसके अंदर, सबके साइन है, आपको मैं दिखा भी दूंगा, अगर आप मीडिया के माध्यम में कहोगे तो मैं कल लेके दिखा भी दूंगा, मीडिया थी वो दिखा भी दें। और बजरंग ने मेरा क्या कहा था सीधा सीधी, वहां पे मैं खापे थी, हम भी थी भाई, दुख तो हमारा भी बहुत हुआ था, उसने यह बात कही थी, बोला मेरे को यहाँ पे मेरे पक्ष के आदमी नहीं दिखाई दे रहे, आप मन बताओ मीडिया के साथी हो, अगर पक्षपात पंचायत में हो गया तो पंचायत रहेगी के, फिर तो पार्टी बाजी होगी, फिर वो पंचायत ही नहीं रही भाई। रही बात संगठनों का क्या रोल है इसमें? किसान संगठनों का भाई पूरा पूरा रोल है, किसान संगठन ट्रायल कराने के साथ है भाई, ट्रायल होनी चाहिए पूरे पूरे किसान संगठन, जब भी हम धरना देंगे सारे किसान संगठनों से बात हुई है भाई, सबके सब हमारे साथ है, इस परिवार के साथ है, उन्होंने कहीं भी पीड़ा, एशिया गेम से पहले की ट्रायल है, जो किसान साथी ने पहले लड़ो भाई, और हमने ज्ञापन सौंपा था डीसी साहब को, उसमें किसान संगठन भी सब थे भाई, कम से कम भी 10,000 आदमी उसके अंदर थे, वीडियो जारी हो रही है, देखा भी होगा आपने, हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था, तो किसान संगठन होना था, यही कहना भाई
हमें अगर आज दिल्ली हमने परमिशन मिल जाती तो आप देखना कि मिल जाता अपने हमारे साथ कौन कौन। भाई भावुक ज्यादा विशाल है, हम मिले भी थे, इतना भावुक से बात तो करनी पड़े है। तो जिस बच्चे ने दिन रात एक करके दिन एक पहलवान बनाने खातर रखी कौन हाल भाई, और बालक की नहीं, जिस बालक ने उस खलन खेलन खान की टेम में खेलना चाहिए, गाड़ा में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए, विशाल का भी जिक्र है, बैक टाइम के आनंद ने विशाल का भी जिक्र है, उस टाइम पर कड़ी मेहनत करके और जिद आज थी इस जगह पर पहुंचा, आज उसका हक मार लिया गया। अभी हम यहाँ हंसी SDM ऑफिस का आगे धरना करेंगे, जो भी हमारी अभी किसान संगठन आने लग रहे भाई, जो भी जितने भी हमारे हैं, जो भी हरियाणा की कॉल है हमारी, जो भी हमारे संगठन है, खापो के प्रधान आएंगे, बात करेंगे, अभी ये तय करेंगे भाई हमने बैठना कहाँ पे है, अभी तय करेंगे भाई कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे जाना है, रोड पे बैठेंगे कहाँ बैठेंगे, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। चलो हमारा बच्चा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, लंबे टाइम तक लड़ेंगे, हम ऐसे नहीं कि आंदोलन बेच के जाएंगे, लड़ेंगे ना कि ये रुका देंगे कि हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे अब भविष्य जाने लग रहे हैं, लेकिन आगे कोई माँ बाप इतना लाचार नहीं हो कि अपना बच्चा ने देखा मरदा हम नहीं करने दें भाई। जो ट्रायल दे के जाएगा कोई जाएगा तो हम यहाँ लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे जब तक ट्रायल फिक्स नहीं होगी। एक आदमी ने लाइव में यह बात भी कही थी भाई, एक बोलिया अगर तुम सरकार के खिलाफ ट्रायल के खिलाफ लड़ोगे तो बोलिया बजरंग टीम में लेके आऊंगा अगली पंक्ति में बैठा भाई, भाई तड़का तो लड़ांगे लड़ाई, सुन लो जो से समाची है, लियाओ अगली पंक्ति में बैठाओ और सरकार के खिलाफ लड़ांगे, लियाओ भाई उनती लियाओ बजरंग तीर बिठाओ मारा गल, अगर बजरंग सच्चा इमाती है जूनियर बच्चों का, भाई सच्चा है, लड़ाई लड़ने वाला है, हम कल लड़ेंगे भाई, और इतनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे ना तो जाओगे भाई समाज के बीच में करांगे, जो भी करांगे ना एक कमरे में कदे सेट गेट करा ना, और समाज के बीच में कराएं, रोड के बीच में कराएं, अगर कोई मंत्री बतलाना हुआ तो रोड के बीच में बतलावांगे, लिया उसने और बिठाओ मारा गल, लड़ाई लड़ाएं लंबी, तो 5 साल लग जाओ भाई, 5 साल तीन लड़ाई लड़ांगे, आखिरी दम तीन लड़ाई लड़ांगे, अगर उठ जावा तो फिर सारे ऑनलाइन बोलने लग रहे, ऑन कैमरा बोलने लग रहे हैं भाई, सारे सुनने लग रहे हो, 1% भी नहीं उठाएंगे, 1% भी आंदोलन नहीं बेचेंगे, आखिरी दम की लड़ाई लड़ेंगे जब तक इनको क्लियर नहीं हो जाती कि ट्रायल देने के बाद ही जाएगा।